चुंबक का नाम सुनते ही आपके बचपन की बहुत सी यादें ताजा हो जाती होगी। चुंबक को चुंबक से कुछ ऐसे धकेलना। और सबसे मजेदार तो ये बेलन वाली चुंबक हुआ करती थी। हमारे बचपन में स्कूल में इसका अलग ही क्रेज हुआ करता था, जिसके पास ये वाली चुंबक होती थी उसका तो स्कूल में अलग ही लेवल का स्वैग होता था। और ये सारी चीजें बचपन में काफी मजेदार भी लगती थी। चुंबक की बात कर ही रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत सी चीजों में चुंबक का यूज किया जाता है, तो आज हम इसी चुंबक की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं और आपके सवाल का जवाब भी देने वाले हैं कि चुंबक बनती कैसे है। तो चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले चुंबक के सांचे को बनाया जाएगा, जिसके लिए इस धातु के बने मोल्ड में रेत को भर दिया जाता है और इसे बाहर निकालकर एक्स्ट्रा रेत को निकाल देते हैं। और अब उस सैंड सीड को एक पंचिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां पर उसमें कुछ केमिकल रेत के साथ मिलकर और प्रेशर के कारण ये रेत एक ठोस सांचे का रूप ले लेता है। और इसी तरह अलग अलग डिजाइन वाले रेत के सांचों को बना लिया जाता है। तो अब इन सांचों में चुंबक को ढाला जाएगा, लेकिन उससे पहले चुंबक को तैयार करना होगा। तो चुंबक को बनाने के लिए तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, इन सब का मिश्रण यूज किया जाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन भट्टी में डाल दिया जाता है और इन सभी को 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे ये सभी पदार्थ पिघल जाते हैं। अब इन पिघले हुए धातुओं को उस रेत वाले सांचे में डाल देते हैं। ऐसा करने से पिघले हुए धातु चुंबक के खांचे में चले जाते हैं और अंदर जाकर ये चुंबक का आकार ले लेते हैं। जब इनका तापमान धीरे धीरे घटने लगता है, तब इन खांचों को उठाकर ऐसे उड़ेल देते हैं और इन खांचों को हथौड़े से पीट पीट कर तोड़ देते हैं, जिससे केवल चुंबक बच जाता है। और ऐसे हाथों से चुनकर उनसे चुंबक को अलग कर लिया जाता है। आपको बता दें कि अभी ये चुंबक किसी काम का नहीं है, अभी इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यानी अभी इसमें लोहा चिपकेगा भी नहीं। तो अब इस चुंबक को चुंबक बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाएगा। सबसे पहले इस चुंबक को लोहे के दो बड़े प्लेट्स के ऊपर ऐसे रख देते हैं, जो कि मशीन से जुड़ा होता है, और ये मशीन उन दो प्लेटों के जरिए चुंबक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करता है। और अब ये चुंबक चुंबक बन चुके हैं, यानी कि अब इसमें लोहा चिपक जाएगा। दोस्तों, एक और तरीका होता है इसको चुंबक बनाने का, जिसके लिए इन सांचों से निकले चुंबक को, जिनमें कि अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस चुंबक को इस लोहे के पाइप में डाल दिया जाता है और उसके चारों तरफ ऐसे रेत को भर दिया जाता है। और फिर इसे सीमेंट से सील भी कर दिया जाता है, ताकि वो मैग्नेट बीच में रहे और हिलडुल ना सके। अब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। उसके बाद जब ये लाल हो जाते हैं, तब भट्टी से तुरंत निकालने के बाद इस पाइप को एक मशीन से फिट कर दिया जाता है और इसके बीच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले एक रॉड को डाल दिया जाता है और उस मशीन के द्वारा वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को पास कराया जाता है। और साथ ही साथ उस चुंबक को पानी से ठंडा भी किया जाता है। और जब पाइप से मैग्नेट को निकाला जाता है, तब ये चुंबक बन चुके होते हैं। तो कुछ ऐसे तैयार होता है चुंबक। अगर आपके पास भी चुंबक से जुड़ी कुछ बचपन की पुरानी यादें हो, तो उसे हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।